दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के फूड सोर्स के बारे में। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है तो आप अपनी डाइट में, अपने खाने में ऐसी क्या चीज़ें शामिल करें जिससे कि ये कमी पूरी हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं देवेश यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योक्लिक पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। दोस्तों, विटामिन B12 की बात करें तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि अगर इसकी कमी हो रही है तो आपके शरीर में ये क्यों ज़रूरी है, इसकी कमी से आपके शरीर में क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। और जिन लोगों ने ये वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि विटामिन B12 हमारे शरीर का एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। ये हमारे शरीर में अगर एक्सेस होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये हमारे शरीर में यूरिन के साथ बाहर चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे शरीर में ब्लड के फॉर्मेशन में, आप सीधे सीधे कहिए तो ब्लड और RBC रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी कमी होती है तो आपको एनीमिया की शिकायत देखने को मिल सकती है। साथ ही हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये हमारे शरीर के नर्व्स जो होती है, यानी नसें जो होती हैं, उनको चारों ओर से कवर करती है एक सीट होती है जिसे माइलिन सीट कहते हैं। ये माइलिन सीट के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। यानी कि अगर इसकी कमी होती है तो आपको नर्वस सिस्टम संबंधित रोग हो सकते हैं। अब इनके ज़्यादा बात ना करते हुए इसके फूड सोर्स पे आते हैं, क्योंकि बाकी बातें हमने पिछली वीडियो में करी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लें। और इसके हम, अगर आपके शरीर में कमी हो रही है तो कौन से नेचुरल फूड सोर्स हैं। अब फूड सोर्स की बात करें तो दोस्तों, एक वेज होता है, यानी जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए होगा, दूसरा होगा नॉन वेज। दोस्तों, वेज में बहुत कम फूड सोर्स हैं, यानी कि बहुत लिमिटेड हैं। इसमें आप दूध कह सकते हैं, दूध में विटामिन B12 बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो अगर आपके शरीर में कमी हो रही है तो आप दूध लीजिए और दूध से बने हुए प्रोडक्ट लीजिए, जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, आप इनका इस्तेमाल करिए और आपकी ये कमी दूर होगी या नहीं हो रही होगी तो नहीं होने पाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सोया के बने हुए प्रोडक्ट में भी आपको विटामिन B12 मिलेगा और मशरूम भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको विटामिन B12 देखने को मिलता है। नॉनवेज की बात करें तो दोस्तों, नॉनवेज में आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। मछली में विटामिन B12 देखने को मिलता है, साथ ही साथ मीट में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे विटामिन B12 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप एग में भी देखेंगे, वहाँ पे भी आपको विटामिन B12 मिलेगा। अगर आप नॉनवेज हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम सोर्स हैं, मेनली यहाँ पे दूध है। तो आप दूध यूज़ करते हैं या फिर दूध से बने हुए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप इसकी कमी को दूर कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे दो मेडिसिन है दोस्तों। तो पहले मेडिसिन है कालीम्यूर 6x, इसको आप 6x पोटेंसी में यूज़ करिए, बायोकॉम्ब है दोस्तों। इसकी आपको 4 टैबलेट दिन भर में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, ये निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा करेगी। और दूसरी मेडिसिन है नेट्रम्यूर 3x दोस्तों, इसको भी आपको दिन भर में 3 बार लेना है, 4-4 टैबलेट, ये आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा करेगी। तो दोस्तों, ये थी विटामिन B12 के सोर्सेज से जुड़ी कुछ जानकारी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।